हेलो दोस्तों, एक बार और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12वीं के लिए अति महत्वपूर्ण छंद, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देख लेते हैं छंद की छंद किसे कहते हैं। तो छंद शब्द छद धातु से बना है, जो काव्य की ध्वनियों के क्रम से गति और यति के नियमों से बांध कर रखता है, उसे छंद कहते हैं। तो छंद किसे कहते हैं? छंद जो है काव्य को ध्वनियों के क्रम से गति और यति के नियमों से बांध कर जो रखता है उसे छंद कहते हैं। तो छंद यह कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है मात्रिक छंद, दूसरा होता है वार्णिक छंद और तीसरा मुक्तक छंद। तो मात्रिक छंद किसे कहते हैं? तो मात्रिक छंद वह छंद है जहाँ पर मात्राओं से गणना की जाती है। वार्णिक छंद वह छंद है जिसमें वर्णों से गणना की जाती है। और मुक्तक छंद वह छंद है जो मुक्त होता है, यानी स्वतंत्र होता है, उसे मुक्तक छंद कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहला जो मात्रिक छंद है वह कितने प्रकार का होता है। तो जो मात्रिक छंद है वह दो प्रकार का होता है। पहला होता है सममात्रिक और दूसरा होता है विषम मात्रिक। तो सममात्रिक में जो है वह चौपाई आती है और विषम मात्रिक में जो है दोहा और सोरठा आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सममात्रिक छंद किसे कहते हैं। तो जिस छंद के प्रत्येक चरण में बराबर मात्राएं होती है उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। यानी कि जिस छंद में जो है सभी चरण में जो है बराबर मात्राएं होगी उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे कि चौपाई जो है वो सममात्रिक छंद में आती है। तो यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें चार चरण होते हैं। चौपाई में कितने चरण होते हैं? चार चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है? 16-16 मात्राएं होती है। यानी कि इसमें जो है चार चरण आपको देखने को मिलेंगे और चारों चरणों में 16-16 मात्राएं जो है आपको मिलेगी। और जहाँ पर भी चारों चरणों में 16-16 मात्राएं आपको देखने को मिले तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर चौपाई होती है। जैसे कि आप यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं कि जब जब होई धर्म के हानि, बढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरही कृपा निधि सज्जन पीरा। यहाँ पर आप इसकी मात्राओं की जो है वो गणना करके देख सकते हैं कि इसकी जो चारों चरण हैं उसमें 16-16 मात्रा है या नहीं। तो यहाँ इसकी गणना करके देखते हैं तो यहाँ पर जो है लघु, यहाँ पर भी लघु, यहाँ पर भी लघु, यहाँ पर भी लघु, यहाँ पर जो है गुरु, यहाँ पर भी लघु, यहाँ पर लघु लघु लघु, यहाँ पर गुरु, यहाँ पर गुरु और यहाँ पर गुरु। तो यहाँ पर आप गिन सकते हैं कितनी मात्रा है। 1, 2, 3, 4 और 2, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 12, 2, 14 और 2, 16। तो इस प्रकार आप गिन सकते हैं कि इसमें जो है 16 मात्रा है। इसी प्रकार जो है इसके दूसरे चरण में भी 16 मात्रा है, तीसरे में भी 16 मात्रा है और चौथे में भी 16 मात्रा है। इस प्रकार इसमें जो 16 चारों चरणों में जो है 16 मात्रा है, इसलिए यह चौपाई है। चलिए देख लेते हैं अगला छंद। तो अगला जो है वो है विषम मात्रिक छंद। तो जहाँ पर जो है विषम, प्रत्येक चरण में जो है विषम विषम हो, वहाँ पर विषम मात्रिक छंद होता है। इसका जो है उदाहरण वो है दोहा। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा क्या है? एक अर्ध सममात्रिक, यानी कि इसमें जो है आधे जो है वो सम होते हैं और आधे अलग होते हैं। मतलब कि यहाँ पर देख सकते हैं कि दो चरण एक से यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, यानी कि अर्ध सम है। ये अर्ध सम है। इससे पहले वाले में जो है पूरे एक समान थे, सभी में 16-16 आए थी, 16-16 मात्राएँ थी, इसलिए वह सममात्रिक छंद था। यहाँ पर जो है दो ही समान हैं और दो असमान हैं, इसलिए यहाँ पर अर्ध सम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक अर्ध सम मात्रिक छंद है। इस छंद में विषय चरणों में जो है 13-13 मात्राएं और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती है। इसमें जो है विषम, यहाँ पर विषम चरणों में जो है 13-13 मात्राएं और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती है, अर्थात पहले और तीसरे चरणों में 11-11 मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे चरण में
ग्यारह ग्यारह यहाँ पर मात्राएं दिखेगी। पहले तीसरे चरण में तेरह तेरह मात्राएं होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे दोहा कहते हैं। चलिए इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो इसका उदाहरण है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुरी सुधारी वरणम रघुवल विमल जसू जो दायक फलचारी। तो इसके जो है आप इसमें आपको जो है पहले और जो तीसरे चरण है इसमें आपको तेरह तेरह मात्राएं देखने को मिलेगी, जो आपका दूसरा और जो चौथा चरण है इसमें आपको ग्यारह ग्यारह मात्राएं देखने को मिलेगी, इसलिए यह दोहा कहलाएगा। यह दोहा का उदाहरण आप याद कर लीजिएगा। यह परीक्षा में पूछा जा सकता है कि दोहा किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए। तो चलिए देख लेते हैं अगला जो छंद है वो क्या है। तो अगला जो छंद है विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत जो आता है वो है सोरठा। तो सोरठा यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है, यह भी क्या है, एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें पहले और तीसरे चरण में ग्यारह ग्यारह मात्राएँ होती है तथा दूसरे और चौथे चरण में तेरह तेरह मात्राएँ होती है, सोरठा कहलाता है। इससे पहले वाले में आपने देखा है कि दोहा में जो है पहले और तीसरे चरण में वहाँ पर तेरह तेरह मात्राएँ थी, लेकिन यहाँ पर जो है पहले और तीसरे चरण में ग्यारह ग्यारह मात्राएँ है, और वहाँ पर आपने देखा था कि दूसरे और चौथे चरण में वहाँ पर ग्यारह ग्यारह मात्राएँ होती थी, लेकिन यहाँ पर जो है दूसरे और चौथे चरण में तेरह 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 मात्राएँ आपको देखने को मिलेगी, इसलिए यह क्या है, सोरठा है। तो यह आप किस प्रकार इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है, इसमें पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती है और सोरठा कहलाता है। इसका आप उदाहरण इस प्रकार देख सकते हैं कि नील सरेरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करम सो उर्मम धाम सदा क्षीर सागर शयन। तो इसकी आप मात्राएं गिनकर देख सकते हैं कि आपको जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसकी पहली में आपको पहले और तीसरे चरण में आपको 11 11 मात्राएं देखने को मिलेगी और दूसरे और चौथे चरण में जो आपको 13 13 मात्राएं देखने को मिलेगी। तो अगला छंद हमारा जो है वह है वार्णिक छंद। कौन सा छंद, वार्णिक छंद। इससे पहले हमने क्या मात्रिक छंद देखा था जहां पर मात्राओं से गणना की जाती है, यहां पर जो है वर्णों से गणना की जाएगी, इसलिए यहां पर वार्णिक छंद। तो वार्णिक छंद में जो है पहला आता है वो कवित्त छंद। क्या आता है, कवित्त छंद। यह एक वार्णिक छंद है, क्या है, यह एक वार्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 और 15 के विराम से 31 वर्ण होते हैं। क्या होते हैं, इसके जो है प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण, 31 वर्ण होते हैं। इसमें जो है 16 और 15 के विराम में 31 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण जो है वो गुरु होता है, यानी कि इसका जो प्रत्येक चरण है उसके जो अंतिम वर्ण है वह क्या होगा, गुरु होगा। क्या होगा, गुरु होगा। चलिए देख लेते हैं इसका उदाहरण। तो इसका उदाहरण है कि सच्चे हो पुजारी तुम प्यारे प्रेम मंदिर के उचित नहीं है तुम्हें दुख से करहारना करना पड़े जो आत्म त्याग अनुराग वश तो तुम सहर्ष निज भाग को सराहना। तो आप इसकी मात्राएं वर्ण गिन सकते हैं, क्या गिन सकते हैं, वर्णों को गिनना है। इसमें किसको गिनना है, वर्णों को। तो यहाँ पर वर्णों को गिन सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह। कितने, 16, यानी कि यहाँ पर यह 16 है। और इसके नीचे वाला आप गिन सकते हैं कि एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 16 और 15 के विराम से कितने वर्ण हो रहे हैं, इन दोनों को मिलाकर 31 वर्ण हो रहे हैं। कितने वर्ण हो रहे हैं, 31 वर्ण हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है, कवित्त छंद है। चलिए अगला छंद देख लेते हैं कि अगला क्या है। तो अगला जो है वो है सवैया छंद। सवैया छंद यह क्या है, यह एक सम वार्णिक छंद है। यह क्या है, एक सम वार्णिक छंद, यानी कि इसके जो है प्रत्येक चरण समान होंगे, इसलिए यह सम वार्णिक छंद है। इसमें चार चरण होते हैं, कितने चरण होते हैं, चार। इसमें चार चरण होते हैं, चारों चरण समान होते हैं, इसलिए यह क्या है, एक सम वार्णिक छंद है। यह सवैया छंद एक सम वार्णिक छंद भी है और यह चार चरण होते हैं, इसमें चारों चरण समान होते हैं।
तो यहाँ देख सकते हैं आपकी 22 से 26 तक वर्ण वाले छंदों को सवैया छंद कहते हैं, यानी कि इसके जो है प्रत्येक चरण में या तो 22 मात्राएँ हो 22 वर्ण होंगे, या तो 23, या तो 24, या तो 25, या तो 26। यदि एक चरण में 22 है तो जो है चारों चरण में 22 यहाँ पर जो है आपको वर्ण मिलेंगे। यदि एक चरण में 23 है तो चारों चरणों में यहाँ पर 23 आपको मिलेंगे। इसी प्रकार यदि यहाँ पर 24 है तो चारों में 24 होंगे, 25 है तो चारों में 25 होंगे, और 26 है तो चारों में 26 होंगे। तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे छवैया छंद। इसका उदाहरण देख सकते हैं कि पुरते निकसी रघुवीर वधु धरी धीर दय मग में डग दे। इसमें आप गिन सकते हैं, क्या गिन सकते हैं, यहाँ पर वर्णों को गिनना है, वर्णों को। तो यहाँ पर गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। यहाँ पर क्या है, पहले चरण में यहाँ पर 24 वर्ण हैं, तो इसके जो है चारों चरणों में 24 होंगे, इसलिए यह क्या है, सवैया छंद है। अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।